नमस्ते दोस्तों, और क्या चल रहा है? तो आप बोलोगे फरवरी का महीना चल रहा है। मुझे पता है आप लोग उस डेट का वेट कर रहे होगे जो कि उसका शब्द वी से तो स्टार्ट होता है और ई पे ख़त्म होता है, पर हमारे लिए वो शब्द कोई काम का नहीं है। तो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, ये वैलेंटाइन डे जिसको आप खुशी का दिन समझ रहे हो ना, ये हमारे एक काला दिन के बराबर है, यानी कि एक ब्लैक डे के बराबर है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप किया ना, तो आपने कुछ ना कुछ तो आप अपने जीवन के अंदर जरूरी खोओगे। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से दोस्तों 14 फरवरी हमारे लिए काला दिन है और जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं। तो जानते हैं हम लोग कि वैलेंटाइन डे का इतिहास क्या है, और इसे वैलेंटाइन डे के नाम से ही न जानते, इसे संत वैलेंटाइन डे के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ दिवस नहीं है, ये सिर्फ एक अवकाश की छुट्टी है जिसको बनाने के लिए हम अंग्रेजी के आदमी चेले बनने लग जाते हैं। इस दिवस को बनाने के लिए हम लोग उन बातों को भूल गए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 14 फरवरी को जो विस्फोटक हुआ था और हमारे CRPF के 44 से अधिक जवानों की एक विस्फोटक के कारण मौत हो गई थी, जिसमें किसी का तो पापा और किसी का पति था, वो बात भूल गए कि हम 14 फरवरी को जी हमारे लिए काले दिन के बराबर है। इसे तो दोस्तों हम लोग एक शहीद दिवस के रूप में बनाना चाहिए और हमको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए कि ऐसे हमारे जवान जो हमारी जान की कुर्बान लगा के हमारी सेफ्टी रखते हैं। भले ही दोस्तों आप लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बना रहे होगे, जिसमें अपनी प्रेमिका के साथ में अपने प्रेम का इजहार कर रहे होगे, पर इस बात को याद रख लेना, वो आपका सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, जो लोग शहीद दिवस जो हमारे CRPF के जवानों के श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते, वो किस तरह का क्या खाक सच्चा प्यार करोगे। वैलेंटाइन डे शब्द क्रिश्चियन शहीदों में से किसी व्यक्ति का नाम था जिन्होंने पहला प्रोपोजल रखा, पर हम लोगों के इस काम का दोस्तों, हमारे तो हमको 14 फरवरी एक काला दिन यानी कि हमको तो एक शहीद दिवस के रूप में बनाना चाहिए। और हमारे सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्चे तन से सभी से ही दोस्तों हम लोगों को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। इस वैलेंटाइन डे दिवस की शुरुआत 7 फरवरी से होते हैं और इसको बनाने के लिए हम लोग फरवरी के अंदर नहीं, जनवरी के अंदर ही सोच के बैठ जाते हैं। इस दिन के अंदर मुझे ये करना है, उस दिन के अंदर मुझे ये करना है, पर हम 26 जनवरी आती है ना और जब 15 अगस्त आती है ना, तो कोई सोच के नहीं बैठते, सब घर के अंदर बैठते हैं। इस वैलेंटाइन डे दिवस पर मुझे पता नहीं इसमें कौन कौन से डे आते हैं, कोई प्रपोज डे आते होगा तो कोई हग डे आता होगा, कोई किस डे आता होगा तो कोई टेडी डे आते होगा, पर इन सभी दिवसों का एक ही दिवस है, सब खत्म डे। हम लोगों को 14 फरवरी को पुलवामा को घटना को याद करके शहीद हुए CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। इस दिन हमको हमारी आत्मा, हमारे दिल से, हमारे सच्चे मन से, हमारे सच्चे तन से मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अरे वैलेंटाइन डे वालों, तुम्हारा प्यार सच्चा कैसे हो सकता है? आने वाली 14 फरवरी को इस घटना को एक साल हो जाएगी, इसलिए इसे हमें पुलवामा दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अरे वैलेंटाइन डे वालों, तुमको मेरी बात ये कहाँ से समझ में आएगी? अरे वैलेंटाइन डे वालों, तुमको ये मेरी बात कहाँ से समझ में आएगी? तुमको तुम्हारी 14 फरवरी को वैलेंटाइन जो याद आ रही है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये नहीं है कि आप वैलेंटाइन डे दिवस को भूल जाओ, इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ एक ही है, हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जो हमारे देश की रक्षा के लिए और हमको बचाने के लिए दोस्तों अपनी जान और दिल कुर्बान कर देते हैं और सही टाइमिंग पे भी घर के अंदर आके नहीं बैठ पाते। जय हिंद, जय भारत, पुलवामा दिवस एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए। संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए